कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आजकल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दो नाम ही छाए हुए हैं और वह नाम कोई और नहीं बल्कि सीमा हैदर और अंजू के हैं। सीमा हैदर और अंजू के बॉर्डर पार करने के बाद सीमा और अंजू ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिससे दोनों देशों के लोगों की त्योरियां चढ़ गई है। खबर में आज हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के दर्शकों के लिए तगड़ा मसाला लेकर आए हैं, जो वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे। सीमा हैदर की हरकत से जहां पाकिस्तान के लोगों में गुस्सा है, तो वहीं अंजू की हरकत से हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत बढ़ती ही चली जा रही है। सीमा हैदर और अंजू दोनों में से किसका कदम सही है और किसने अपना देश छोड़कर गलती की है, यह हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सीमा हैदर और अंजू, इन दोनों नामों की चर्चा आजकल हर जुबान पर है और सब इन दोनों की हरकत के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच सीमा हैदर और अंजू ने ऐसा कर दिया है कि यह दोनों भारत और पाकिस्तान के लोगों के आंखों की किरकिरी बन गई है। अंजू और सीमा हैदर में एक बात कॉमन है कि दोनों अपने अपने प्यार के लिए सरहदें लांघ कर एक दूसरे के कट्टर हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। ये बात दोनों में कॉमन थी ही कि इसी बीच एक खबर आई कि अंजू ने केक काट कर पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मना दिया। अंजू की हरकत हिंदुस्तान के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन अंजू के द्वारा दिए गए इस घाव को भरने का काम किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी सीमा हैदर ने ही कर दिया। सीमा हैदर ने भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया और हिंदुस्तान का झंडा भी फहराया। सीमा हैदर ने न सिर्फ भारत का तिरंगा फहराया बल्कि अंजू को करारा जवाब देते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। सीमा हैदर यही नहीं रुकी, सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जयकारे भी लगाए और गदर 2 फिल्म देखने की भी इच्छा सीमा हैदर ने अब जताई है। अंजू यूं तो बार बार धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने और नसरुल्ला से निकाह करने की बात को खारिज करती आ रही हैं, लेकिन जियो न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान जियो न्यूज ने जब अंजू को नसरुल्ला की बेगम फातिमा बताया तो अंजू ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जिससे अंजू का दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया। इसे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान जाकर अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है और अपना नाम भी बदल लिया। अब ये तो अंजू ही जाने कि उसने या पाकिस्तान के दबाव में किया है या अपनी मर्जी से, लेकिन या तो सबको पहले से ही पता था कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान भाग कर गई अंजू को एक ना एक दिन इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा, वरना बार नसरुल्ला के साथ पाकिस्तान में किसी भी कीमत पर रह ही नहीं पाएगी। वहीं पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर बिना अपना नाम बदले, बिना धर्म परिवर्तन किए सचिन के साथ खुशी खुशी रह रही है, जिससे साफ पता चलता है कि भारत की संस्कृति और सनातन धर्म के संस्कार किसी को भी धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं करते हैं। हिंदुस्तान से भागकर पाकिस्तान पहुंचने के बाद अंजू को धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, या तो अंजू को पहले से ही पता होगा पाकिस्तानी से प्यार करके और पाकिस्तान जाकर अंजू ने जो भूल की है इसका पछतावा अंजू को थोड़े दिनों के बाद हो ही जाएगा, और या उसकी जीवन की सबसे बड़ी भूल भी साबित ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक कट्टरपंथी देश है जो दूसरी संस्कृति, दूसरी विचारधारा, दूसरी पूजा पद्धति और दूसरे धर्म को बर्बादाश्त करने और उसका सम्मान करने का साहस ही नहीं रखता है। आपको क्या लगता है कि क्या अंजू को इस गलती के लिए आगे पछतावा होगा या नहीं, या फिर अंजू नसरुल्ला के लिए धर्म परिवर्तन कर लेगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसका नोटिफिकेशन आपके द्वारा सब्सक्राइब किए जाने के बाद आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करें। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।